अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक टू ईट। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा आलू, जिसके लिए हमें बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए हम बताते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। मैंने 2 से 3 आलू ले लिए हैं, उनको ऐसे कटिंग कर ली है और उनको अच्छी तरह से धो के मैंने स्टेन कर लिया, इनका पानी अच्छी तरह से रिमूव कर लिया कि इनमें से पानी ना रहे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, और स्पाइसेस हैं, नमक आपके अकॉर्डिंग है, आप जितना लेना चाहें। और इसके लिए हमने ये पीसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, तो आपको जितने स्पाइसेस लेने हो आप इनमें से दोनों अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर लें। मैंने हाफ हाफ टीस्पून जो है वो लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और हाफ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून के बराबर मैंने लिया है धनिया, धनिया पाउडर, और 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे नाज़रीन, हम इसमें हमने तवा लिया है, हम इसको लो फ्लेम पर रखेंगे बिल्कुल। इसमें हम ऐड करेंगे अपने आलुओं को, इसमें हम अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। याद रखिए, आपने इसका जो फ्लेम है वो आपने लो लेना है। ये हल्की आंच पर within 10 to 15 minutes रेडी हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार भी है। बच्चों, बड़ों, सबको बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। आपने कहीं जाना हो, कोई चीज़ अचानक से समझ ना आए कि क्या बना सकते हैं, तो आप फ़ौरन से ये बनाइए और आपका काम ख़त्म। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और हम इसको किसी भी लेट से जो है वो कवर कर देंगे। देखिए, ये अपनी ही स्टीम में अच्छे से पक जाएगा। तो हम इसको बीच में within 5 मिनट हम इसको हिलाते रहेंगे और देखेंगे कहीं लगे ना, क्योंकि लो फ्लेम है इसलिए इतना इसको चांस नहीं होगा। तो देखिए, पाँच मिनट गुजर चुके हैं, हम इसको चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको डिश आउट करेंगे। जी, तवा आलू बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जी, हमारे तवा आलू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने मसालेदार हैं और मज़ेदार भी हैं। आलू हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं, पक चुके हैं। ये बहुत ही लजीज है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।